सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो एनजेड पंजाबी न्यूज़ ते मैं हरसिमरन कौर हर रोज़ की तरह लैके हाजिर हाँ साडी खास रिपोर्ट। श्रोमणी अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी ने 2022 दीआं विधानसभा चोणां रल के लड़न का रस्मी ऐलान बीते दिन कीता। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते बसपा के जनरल सकत्तर सतीश मिश्रा ने गठजोड़ का ऐलान किया। बसपा की पंजाब इकाई के कोआर्डीनेटर रणधीर सिंह बैनीवाल अते सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रकाश सिंह बादल नाल मुलाकात भी की। गठजोड़ तहत अकाली दल ने बसपा नूं 20 सीटां दित्तियां ने, जिस विच दुआबा दीआं 8, मालवा दीआं 7 अते माझा दीआं 5 सीटां शामिल ने। इन्हां सीटां विच करतारपुर, जलंधर वैस्ट, जलंधर नॉर्थ, फगवाड़ा, होशियारपुर शहर, टांडा, दसूहा, चमकौर साहब, बसी पठाणा, मैलकला, नवां शहर, लुधियाणा नॉर्थ, सुजानपुर, पठानकोट, आनंदपुर साहब, मोहाली, अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर सेंट्रल अते पायल शामिल ने। चंडीगढ़ स्थित श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर तो दोवें पार्टियां के नुमाइंदियां ने इस गठजोड़ का ऐलान किया। तुहानू दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल हुण तक NDA का हिस्सा सी, पर खेतीबाड़ी बिल के मुद्दे से एक गूढ़ा संबंध टुट गया। इस तरह सालों तो इकट्ठे रहे भाजपा ते अकाली दल के आपस में संबंध खत्म हो गए। बसपा ते श्रोमणी अकाली दल 1996 दीआं लोकसभा चोणां तो बाद लगभग 27 साल बाद आपस में मिल रहे ने। नवा गठजोड़ बनन पिछे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अहम भूमिका दसी जा रही है। हालांकि पंजाब विच बसपा का नाम मात्र आधार है। BSP की शुरुआत पंजाब तो हुई सी अते एक समय इसका सूबे विच आधार सी। नेता कांशी राम तो बाद दी लीडरशिप पंजाब विच ओ आधार कायम नहीं कर सकी अते इलैक्टोरल सियासत विच इसका वजूद खत्म हो गया। मौजूदा वेले इस गठजोड़ की लोड़ बारे गल करिए तां पंजाब अंदर देश विच सब तो वध 33% दलित जनगणना है। BJP नालों गठजोड़ टुटन तो बाद BJP का पक्का वोट बैंक भी श्रोमणी अकाली दल नालों टुट गया सी। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने अपने पद्धर ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी नाल टक्कर लैण नालों किसे पार्टी नाल गठजोड़ करना बेहतर समझिया, क्योंकि उन्हां नूं लग्या कि इस गठजोड़ कारण दलित वोट उन्हां वाल आ सकदी है। श्रोमणी अकाली दल लई इह गठजोड़ एक मजबूरी वजो भी उपजिया दस्या जा रहा है। किसे वेले बसपा पंजाब विच किंग मेकर सी अते दुआबे विच पकड़ रखती सी, जो कि हुण नहीं रहा। पर श्रोमणी अकाली दल कोई होर विकल्प नजर नहीं आउंदा। अकाली दल BJP नाल इस वेले गठजोड़ नहीं कर सकदा, क्योंकि अजिहा करन नाल श्रोमणी अकाली दल दा पेंडू वोटर टुटेगा। कांग्रेस नाल भी गठजोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोवें बिल्कुल वखरियां धिरां ने। इस तों इलावा आम आदमी पार्टी भी आजाद तौर ते पंजाब विच सियासी जमीन लभ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी अकाली दल नाल गठजोड़ नूं मुनासिब नहीं समझेगी अते अकाली दल दी भी आम आदमी पार्टी नाल नहीं पुग सकती अते रौला मुख्यमंत्री दी कुर्सी बारे भी पै सकदा है। इसलिए अकाली दल कोल BSP नाल गठजोड़ दा ही बदल बचदा सी। पिछले कई सालां तों बसपा दा दलित वोटरां विच खास आधार नहीं रहा। बेशक बसपा इस वेले पंजाब विच डेड फोर्स है, पर अकाली दल नूं लगदा है कि शायद इस नाल उहनां दे वोटां विच 2% वाधा हो जावे तां उहनां दी पंजाब दी सियासत विच वापसी हो सके। पंजाब विच इह चर्चा चलदी रही है कि अकाली दल अपने बलबूते सूबे विच चोणां जित सकदा है। 1985 विच भी अकाली दल ने बिना गठजोड़ तों सरकार बनाई सी, हालांकि उस वेले दे सियासी समीकरण भी कुछ होर तरह दे सन। श्रोमणी अकाली दल एक पंथक सियासत तो दूर हटन की सियासत सी। हिंदू वोट बैंक नूं भी जोड़न की कोशिश हुई। इस तों बाद लगातार पार्टी पंथक सियासत तो दूर हट दी गई अते पार्टी नूं इसका नुकसान भी होया। जदों श्रोमणी अकाली दल दा पक्का वोट बैंक टुटिया तां श्रोमणी अकाली दल नूं गठजोड़ां वल देखना पिया। हालांकि श्रोमणी अकाली दल अते बसपा दे गठजोड़ दे ऐलान वेले ना तां BJP दा कोई जिक्र होया अते सुखबीर बादल ने पत्रकारां दे सवाल दे जवाब देण तों भी इनकार कर दिता। अकालियां दा पंजाब विच तकरीबन 25% वोट बैंक है अते बसपा दा 2-3%। अकाली दल पछमी मालवे अते माझे अते दुआबे दे पेंडू इलाकियां विच ताकतवर है, जदकि बसपा दा मुख आधार दुआबे विच है। इस दे नाल ही इह वेखणा भी अहम होएगा कि इस गठजोड़ नाल सूबे दे सियासी समीकरण की रुख अख्तियार करदे ने। धन्यवाद।